हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रसगुल्ला फ्लेवर की ग्रेविटी केक। ये केक बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मज़ेदार है। इसे बनाकर आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। इस केक को मैंने एक्सप्लोजन बॉक्स में प्रेजेंट किया है और ये बॉक्स मैंने खुद ही बनाया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा। ये मेरी 100th वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेनिला फ्लेवर का स्पंज केक मैंने बना लिया है। अब उसके ऊपर से एक लेयर कट कर केक को हम फ्लैट कर लेंगे। केक के साइड का जो पार्ट है हम इस तरह से उसे कट कर लेंगे। वेनिला स्पंज केक की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा फ्लफी स्पंज केक हो गया है। अब हम इसे 3 लेयर में कट करेंगे। केक के एक पार्ट पर हम क्रीम की लेयरिंग करेंगे। हमारा केक रसगुल्ला फ्लेवर का है, इसीलिए हम रसगुल्ले के टुकड़े हर लेयर में रखेंगे। केक का दूसरा लेयर रखेंगे और रसगुल्ला का जो रस होता है उससे हम इसे सोक करेंगे। केक की ऑलरेडी मैं बहुत सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये प्रोसेस कॉमन है। केक की लास्ट लेयर रखेंगे, उसे भी रसगुल्ले के रस से हम सोक करेंगे और फिर हम क्रीम की कोटिंग करेंगे। केक के ऊपर हम व्हिप क्रीम लगाकर इसकी क्रम कोटिंग करेंगे और इस केक को हम 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। जब केक सेट हो जाए तब ऊपर से हम व्हिप क्रीम लगाकर लेवल करेंगे और इसका एक अच्छा सा लुक देंगे। ये देखिए, व्हिप क्रीम के साथ केक तैयार है। ग्रेविटी केक बना रहे हैं और फ्लेवर हमारा रसगुल्ला है, तो हम यहाँ पर मटके का इस्तेमाल करेंगे। प्लास्टिक का एक छोटा सा मटका ले लिया है और मैंने इस तरह से उसमें होल कर दिया है। इस होल में हम एक स्टिक लगाएंगे। इस तरह से मटके को हम स्टिक में लगाएंगे और स्टिक को हम इस तरह से केक पर लगाएंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमें ग्रेविटी का शेप देना है। ये केक घर के यूज के लिए है, इसीलिए मैं इस तरह की एक वुडन स्टिक यूज कर रही हूँ। वैसे तो मार्केट में डॉवेल्स मिलते हैं, अगर आप केक का ऑर्डर ले रहे हैं तो डॉवेल्स ही यूज करें। नेक्स्ट N1 नोजल ले लिया है। अब हम इस व्हिप क्रीम से ये स्टिक को कवर कर देंगे। स्टिक के नीचे हम इस तरह से फ्लावर बनाएंगे और जैसे मटके से रसगुल्ले गिर रहे हो ऐसा लुक देंगे। मटके को व्हिप क्रीम से हम भर देंगे। अब हम हर फ्लावर पर रसगुल्ले रखेंगे। रसगुल्ले को मैंने हाफ कर यूज किया है। केक के चारों ओर N1 नोजल से ही मैंने बॉर्डर भी बना लिया है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
एक और मटका ले लेंगे और उसको हम व्हिप क्रीम से फिल करेंगे। ऊपर से हम रसगुल्ला रखेंगे। इस मटके को केक के साइड में रखकर इसे फाइनल टच देंगे। रसगुल्ला फ्लेवर का ग्रेविटी केक तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर आपने कोई रेसिपी ट्राई की है तो आप मुझे वहाँ पर पिक शेयर कर सकते हैं।